जय हिंद ए सी जी के में आपका स्वागत है आज हम बिहार दरोगा के लिए जो बाईस सौ तेरह पोस्ट के लिए मेंस का एग्जाम हुआ था तो मेंस में किस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं? तो वह आपके सामने हम ले करके आए हैं मेरा जो है इसी में पीटी और मेंस क्लियर हुआ था लेकिन कुछ का, निजी कारणों की वजह से फाइनल नहीं हो पाया बताते चलें कि मेरा बीपीएससी पी क्लियर हुआ था वर्तमान में अभी मैं एक रेलवे एम्प्लॉय हूँ इस सेट में जिनका भी सत्तर प्लस स्कोर आएगा वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं हालांकि अस्सी प्लस वाले ही पूर्ण रूपये सेफ होंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है तो वह परिघटना जो है अपवर्तन के कारण होता है क्वेश्चन नंबर दो देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ तो वह दो देश जो है बुल्गारिया है क्वेश्चन नंबर तीन देखेंगे टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है तो टिहरी बांध जो है भागीरथी एवं भीलगना नदियों के संगम पर स्थित हैं क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है क्या होती है तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता जो है घट जाती है क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे यदि किसी कूट भाषा में ब्रांच को ये ये रीजनिंग का प्रश्न है तो आप हमें इसका बना करके ब्रांच को जो है ए पी डी एल डबल एफ कहा जाता है तो उसको मास्टर को क्या कहा जाएगा तो इन चार ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन है तो आप हमें चूज करके बताइए और बना करके बताइए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर पाँच देखेंगे नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको क्वेश्चन नंबर छः देखेंगे यह भी मैथ का प्रश्न है तो इसे भी आप लोग हल कर लीजिएगा उसी प्रकार सात भी मैथ का प्रश्न है आठ नंबर क्वेश्चन से देखते हैं सभी जो मैथ के जितने भी प्रश्न हैं उसे आप हल करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे हालांकि नॉर्मल ही प्रश्न है कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन नंबर आठ देखेंगे सत्रह सौ निन्यानवे में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा बनाया गया तो वह जो है कृष्ण राजा ठर्ड को बनाया गया था क्वेश्चन नंबर नौ देखेंगे क्वाटर्ज का रासायनिक नाम है तो क्वाटर्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट है क्वेश्चन नंबर दस देखेंगे प्रत्येक राज्य के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है तो वह अनुसूची जो है चौथी अनुसूची है क्वेश्चन नंबर ग्यारह देखेंगे पाँच सौ चालीस के दोनों अनुखंडों की कुल संख्या क्या है तो यह मैथ का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट right आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर बारह देखेंगे जालियावाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई थी तो जालियावाला बाग की घटना जो है उन्नीस में घटित हुई थी क्वेश्चन नंबर तेरह देखेंगे बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था तो बांग्लादेश जो है उन्नीस में स्वतंत्र राष्ट्र बना था क्वेश्चन नंबर चौदह देखेंगे निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होता है तो चांदी किसमें नहीं होता है तो वह जर्मन सिल्वर में चांदी जो है कि नहीं होता है क्वेश्चन नंबर पंद्रह देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है तो वह एंजाइम इमाइलेज होता है इमाइलेज नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सोलह आप इसका जो है हमें आंसर सोलह और सत्रह मिलान करना है क्वेश्चन नंबर अठारह देखेंगे हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन से गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है तो वह किस्म जो है विद्या है क्वेश्चन नंबर उन्नीस देखेंगे इंटरेगल कोच फैक्ट्री कारखाना जो है कहाँ अवस्थित है तो यह कोच फैक्ट्री जो है पैरामबूर में स्थित है ये सब क्वेश्चन जो है आपको स्पीडी वाली बुक में मिल जाएंगे आप आसानी से पढ़ सकते हैं और लुसेंट में तो खैर है ही है क्वेश्चन नंबर बीस देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है तो वह मुख्यमंत्री जो है चंद्रशेखर हैं क्वेश्चन नंबर इक्कीस देखेंगे क्लोरोजाइनिनॉल तथा टर्पिनियॉल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है तो यह जो है रोगानुरोधक के रूप में कार्य करता है क्वेश्चन नंबर बाईस एक फिर से मैथ वाला प्रश्न है तो इसका राइट आंसर जो है तेरह अनुपात छः हो जाएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बना करके सेंड कीजिएगा क्वेश्चन नंबर तेईस देखेंगे दूध को दही में परिवर्तित करने वाली बैक्टीरिया हैं तो वह बैक्टीरिया जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होती है क्वेश्चन नंबर चौबीस देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंशिकता रूपांतरित खाद पादप है तो वह खाद पादप जो है सुनहरा धान होता है क्वेश्चन नंबर पच्चीस देखेंगे समीर ने कहा कि रसिका मेरी माता के पोते की पत्नी है सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है तो सारिका जो है पुत्र है आप इसे बना करके चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस देखेंगे यह रीजनिंग का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर छब्बीस देखेंगे परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है तो वह मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर सत्ताईस देखेंगे रेल मध्य मंडल का मुख्यालय कहाँ है तो मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है वह मुंबई एस सी एस टी में है क्वेश्चन नंबर अट्ठाईस देखेंगे आयरन की कमी से क्या होता है तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है हालांकि पीटी ज़्यादा जो है कि हार्ड होता है मेंस के मुकाबले मेरा मानना है लेकिन क्या है मेंस में कटअप ज़्यादा हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर उनतीस देखेंगे भूमध रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है नहीं वाले प्रश्न पर ध्यान देंगे तो वह भारत से जो है कि नहीं गुजरती है क्वेश्चन नंबर तीस देखेंगे भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है तो भाखड़ा नंगल बांध जो है सतलज नदी पर बना है क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे जोग जलप्रपात स्थित है तो सभी जानते हैं कि जोग जलप्रपात जो है सरावती नदी पर स्थित है क्वेश्चन नंबर बत्तीस देखेंगे जहां नारा द्वारा लिखित शेख मोहिद्दीन चिश्ती की जीवनी है तो वह जीवनी कौन सी है वह जीवनी जो है मुनिस अल अरवा है मुनिस अल अरवा क्वेश्चन नंबर तैंतीस देखेंगे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था तो उसे जो है फरवरी उन्नीस सौ बाईस को लिया गया था क्वेश्चन नंबर चौंतीस देखेंगे नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है क्वेश्चन नंबर पैंतीस देखेंगे नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है तो नक्काशीदार कांच के लिए जो है एच एफ अम्ल का उपयोग किया जाता है क्वेश्चन नंबर छत्तीस देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया है वह जो है चौसवा है संवैधानिक संशोधन अधिनियम क्वेश्चन नंबर सैंतीस देखेंगे सोन नदी का उद्गम स्थल है तो सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है ये जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है क्वेश्चन नंबर अड़तीस देखेंगे किसी वर्ग के भुजा का माप लेते समय भूल से दो परसेंट के अधिक मापा गया उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए तो यह भी जो है मैथ का प्रश्न है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी चार पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर उनचालीस देखेंगे पुगा घाटी स्थित है तो पुगा घाटी जो है लद्दाख में स्थित है क्वेश्चन नंबर चालीस देखेंगे कौन सा जनपद छठी एवं चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना तो वह जनपद जो है मगध है क्वेश्चन नंबर इकतालीस देखेंगे बंगाली में अमला का अधिकार होता था तो जो बंगाली में अमला का अधिकार होता था वह जमींदार कहलाते थे जमींदार क्वेश्चन नंबर बयालीस देखेंगे मुर्रा नस्ल है तो मुर्रा जो है भैंस की नस्ल है यह सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर तैतालीस देखेंगे उन्नीस में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे तो सदस्य की संख्या तीन थी जिसमें पैथिक लॉरेंस वगैरह थे तो डीपली पढ़िएगा तो मालूम हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर चौवालीस देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है तो वह जो है इसका राइट आंसर जो है जरीवा हो जाएगा जरीवा बाकी बंजर है ओलज है पड़ौती है तीनों था क्वेश्चन नंबर पैंतालीस देखेंगे जैन धर्म का 23वां तीर्थ तीर्थंकर कौन था तो जैन धर्म का तेईसवां तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ जी थे क्वेश्चन नंबर छियालीस देखेंगे सड़क सीमा संगठन बी की स्थापना की गई थी तो बी की स्थापना 1960 में की गई है क्वेश्चन नंबर सैंतालीस देखेंगे अंकलेश्वर स्थित है तो अंकलेश्वर जो है गुजरात में स्थित है यह तेल शोधक कारखाना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अड़तालीस देखेंगे अवध राज का अंतिम शासक था तो अवध राज का अंतिम शासक जो है वाजिद अली शाह थे क्वेश्चन नंबर उनचास देखेंगे भी वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा लैमडा है यदि बेग को प्रारंभिक वेग के एक वटा तीन गुना घटा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी तो गतिज ऊर्जा जो है केवटा नाइन हो जाएगी क्वेश्चन नंबर पचास देखेंगे बताते चलें अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगे भी पाँच दिन के भीतर जो है जितने भी मॉडल सेट अभी तक आए हैं 2018 से लेकर के 2022 तक वह सभी कंप्लीट करवा देंगे हम आपको क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं साथ में सभी लोग बी का जो है बी का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर तो उसका भी जो है क्वेश्चन इसमें बहुत हद तक पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर पचास देखेंगे भिलाई दुर्गापुर एवं राउर किला के इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह तीनों इस्पात संयंत्रों का निर्माण किया गया था क्वेश्चन नंबर इक्यावन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल प्रावैग्निक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है तो वह जो है सी है क्वेश्चन नंबर बावन देखेंगे एक वाहन पी बिंदु से दस किलोमीटर उत्तर दिशा में दौड़ता है दाई और मुड़कर के पंद्रह किलोमीटर दौड़ता है यह पुनः दाई और मुड़कर के दस किलोमीटर दौड़ता कर बिंदु क्यू पर पहुंचता है दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में दौड़ता है तो यह रीजनिंग का प्रश्न है इसका आंसर हम आपको बताते हैं वह दक्षिण में जाएगा बाकी आप बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर तिरपन देखेंगे तीन बिंदुओं के मुख्य विपरीत मुख पर कितनी बिंदुएँ होगी जब उस चित्र में घनाकार में लपेटा जाता है तो ये भी रीजनिंग का प्रश्न है देख लीजिए तो इसका भी राइट आंसर जो है हम आपको बताते चले कि छः हो जाएगा बाकी इसका भी आप बना के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मैथ का प्रश्न थोड़ा रहता है इसमें करेंट खत्म करके मैथ ही डाला जाता है क्वेश्चन नंबर चौवन देखेंगे सर्व समीकाओं को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुनिए तो इसमें जो है सही विकल्प आपका एक और तीन हो जाएगा साइन स्क्वायर ठीठा प्लस कौश अस्वायर ठिटा बराबर वन ये सभी जानते हैं और कौशिक स्वायर ठिठा माइनस कॉट अस्क्वायर ठीठा बराबर वन यह दोनों सही है क्वेश्चन नंबर पचपन देखेंगे नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है आसाम में स्थित है क्वेश्चन नंबर छप्पन देखेंगे यह जो है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो इसको आप जो है व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले जो है कोई रोग होगा रोग को जो है हम ठीक करने के लिए अस्पताल जाएंगे दो नंबर पे अस्पताल हो गया फिर अस्पताल में हमें भर्ती किया जाएगा भर्ती करने के बाद उपचार किया जाएगा और फिर उसका निदान होगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सन्तावन देखेंगे भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है क्वेश्चन नंबर अंठावन देखेंगे लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों का सीटें हासिल होनी चाहिए कुल कितनी सीट हासिल होनी चाहिए तो एक बटा दस एक बटा दस सदस्य सीट हमें हासिल होना चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए क्वेश्चन नंबर उनसठ देखेंगे एक आद्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तीने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षतिज रूप से काटते हैं तो तने के कटे स्थान से बिलियन की बूंद सिरकर निकलने लगती है इस कारण होता है तो इस कारण जो है मूल दाब होता है क्वेश्चन नंबर साठ देखेंगे संतत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था तो दीवाने अर्ज विभाग जो है सैन्य विभाग को कहा जाता था क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे पिटी द्वीप पक्षी अभयारण्य स्थित है तो पिटी द्वीप पक्षी अभयारण्य जो है लक्षद्वीप में अवस्थित है करेंट के क्वेश्चन में जो है आप तो, जो वर्तमान में चल रहे हैं स्टेटिक्स टाइप का उसी पे आप ध्यान दीजिएगा बाकी आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा लुसेंट स्पीडी से क्वेश्चन नंबर बासठ देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा किया जाता है तो इसका प्रकाशन जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है क्वेश्चन नंबर तिरसठ देखेंगे यह क्रिया जिसमें एक आर्किटिक अधिपादप किस तरह जो है एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है तो उसे जो है हम सहभोजिता कहते हैं क्वेश्चन नंबर चौंसठ देखेंगे प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे तो प्राचीन भारत में जंगलवासी जो है वह निषाद के नाम से जाने जाते थे क्वेश्चन नंबर पैंसठ देखेंगे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवपास दर्रा स्थित है तो वह राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है क्वेश्चन नंबर छियासठ देखेंगे निम्नलिखित में से किस पादप के पराकन एलर्जी कारक हैं तो पार्थेनियम जो है एलर्जी का कारक बनता है क्वेश्चन नंबर सड़सठ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है तो जाइलम का भाग जो है चालनी नली का नहीं है क्वेश्चन नंबर अड़सठ देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है तो यह जो है पश्चिमी घाट करता है क्वेश्चन नंबर उनहत्तर देखेंगे कैप्रोलेक्टस का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है तो यह निर्माण जो है नाइलोन सिक्स के लिए किया जाता है क्वेश्चन नंबर सत्तर देखेंगे स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है तो स्वेथलिंग कप जो है टेबल टेनिस से संबंधित है क्वेश्चन नंबर इकहत्तर देखेंगे हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था डेट बताना है तो यह हस्तिनापुर का उत्खनन जो है 1950 और उन्नीस सौ के बीच में हुआ था क्वेश्चन नंबर बहत्तर देखेंगे निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है तो मायोपिया जो है सभी जानते हैं कि अबतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है क्वेश्चन नंबर तिहत्तर देखेंगे विशाल जमीन से खड़ा होकर देख लीजिए इस क्वेश्चन का जो है आप अपने हिसाब से देख लीजिए और बना करके हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर चार बार हो जाएगा सिर्फ आपको आंसर हम बता दे रहे हैं टाइम बर्बाद करने से फ़ायदा नहीं है आप खुद मेहनत कीजिए ज़्यादा सफल होइएगा क्वेश्चन नंबर चौहत्तर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु हड़प्पा सवस्थल से प्राप्त नहीं हुई है तो वह जो है सूती वस्त्र जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है जबकि पॉटरी बर्तन गहने ताम्र शीसा यह तीनों प्राप्त हुए थे क्वेश्चन नंबर पचहत्तर देखेंगे निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिम घाट का भाग नहीं है तो पश्चिम घाट का भाग जो है अनाईमुड़ी है पालनी पर्वत है कार्डामम है लेकिन कॉमेट नहीं है कॉमेट क्वेश्चन नंबर छिहत्तर देखेंगे किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था तो 2017 में जो है केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था क्वेश्चन नंबर सतहत्तर देखेंगे कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर नगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी तो वह उपनगर जो है नगलपुरम कहलाया नगलपुरम क्वेश्चन नंबर अठहत्तर देखेंगे एक गैस सी के साथ तो क्रिया करती है परंतु एन के साथ नहीं वह गैस कौन सी है तो वह गैस जो है सी है सी क्वेश्चन नंबर उनासी देखेंगे यह एक रीजनिंग का प्रश्न है इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं आठ होगा बाकी आप हमें बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन मैथ बनाइएगा आपका रिवीजन बढ़ेगा और जो है इससे आपका मनोबल बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर अस्सी देखेंगे यह भी रीजनिंग का प्रश्न है हालांकि आप लोग रीजनिंग बना लेंगे मालूम है मुझे लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से क्या है आपके थोड़े दरोगा बनने की चाह जो है डबल स्टार का जो चाहत है आपके पास वह पूरा होगा क्वेश्चन नंबर इक्यासी देखेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसे समान है तो नियम जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान है क्वेश्चन नंबर बिरासी देखेंगे शब्द शेरी कल्चर संबंधित है तो शब्द सेरी कल्चर जो है उस किस क्षेत्र से संबंधित है तो वह रेशम पालन से संबंधित है क्वेश्चन नंबर तेरासी देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है तो जलीय खरपतवार जो है आइनो चोरनिया है यह सबसे हानिकारक होता है क्वेश्चन नंबर चौरासी देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क एस ए ए आर सी जिसका होता है सार्क का सदस्य नहीं है तो सार्क का सदस्य जो है ईरान नहीं है जबकि भूटान है अफगानिस्तान है मालदीव है क्वेश्चन नंबर पचासी देखेंगे किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तरलीम और जमीन बोस लागू किए गए थे तो उस समय शाहजहां का शासनकाल चल रहा था क्वेश्चन नंबर छियासी देखेंगे बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु तो किस भाषा का प्रयोग किया गया था तो यह कल के भी सेट में यह प्रश्न आया था तो जो कल मैंने 2018 का प्रीवियस ईयर करवाया है आपको तो उस पर आप जो है कि ध्यान दीजिएगा इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे तो इसका राइट right आंसर पाली भाषा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सतासी देखेंगे चौदह घंटे एक दिन का कितना भाग होता है तो यह आसान प्रश्न है आप निकाल सकते हैं राइट आंसर सात बटा बारह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अठासी देखेंगे अनुचुंबकत्व पदार्थ तो वह पदार्थ जो है चुंबक की की ओर छिन्न बल द्वारा आकर्षित होते हैं वही जो है अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं क्वेश्चन नंबर नवासी देखेंगे किस मौर स्तंभ के सिर पर एक विशाल हाथी स्थापित है तो संकीसा स्तंभ पर जो है एक विशाल हाथी स्थापित है क्वेश्चन नंबर नब्बे देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है तो साइलिंग साइलेंट स्प्रिंग के लेखक जो है रसेल कार्सन थे क्वेश्चन नंबर इक्यानवे देखेंगे जब सात के बराबर सात को चार से विभाजित किया जाता है तो सेशफल क्या बचेगा तो सेसफल आपका तीन बचेगा कैसे बनेगा इसका कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बताएं क्वेश्चन नंबर बानवे देखेंगे तिलैया बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है तो तिलैया बांध बराकर नदी पर अवस्थित है क्वेश्चन नंबर तिरानवे देखेंगे किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया गया था तो वह जो है 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम था क्वेश्चन नंबर चौरानवे देखेंगे निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए तो यह रीडिंग का प्रश्न है आप हमें कमेंट कीजिए बाकी हम बता दें आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फाइव थ्री टू सिक्स नाइन क्वेश्चन नंबर पंचानवे देखेंगे कोडरमा के खनन के लिए जाना जाता है तो कोडरमा जो है अवरक के खनन के लिए जाना जाता है क्वेश्चन नंबर छियानवे देखेंगे सूची एक और सूची दो का मिलान करना है तो संवैधानिक संशोधन जो है 101 में क्या हुआ था तो 101 में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ जिसे जीएसटी कहते हैं 102 में क्या हुआ था तो 102 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था 103 में क्या हुआ तो 103 में जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अधिकतम 10 परसेंट आरक्षण की व्यवस्था की गई एक क्या हुआ एक सौ चार जो बाकी वही बचा लोकसभा में आंग्ले भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान जो है समाप्त कर दिया मतलब जो है अब आंग्ले भारतीय जो थे दो जो मनोनीत करता था राष्ट्रपति वो अब नहीं कर पाएगा क्वेश्चन नंबर संतानवे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है तो यह लंबी दूरी तक संचरित की जा सकती है सही है इसका उत्पादन सस्ता होता है यह भी सही है इसका परिमाण समान होता है यह गलत है इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है यह अभी सही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर अंठानवे देखेंगे यह एक मैथ का प्रश्न है तो आप हमें इसका आंसर बना करके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर उनचास सौ तो इक्यानवे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर निन्यानवे देखेंगे इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें पाँच दिन में आपको जो है दो हज़ार अठारह से लेकर के 2022 तक का सभी प्रीवियस सेट करवा दिया जाएगा उसके बाद जो है सेट प्रैक्टिस चालू करेंगे बिहार एस के लिए और साथ में बीपीएससी के लिए क्वेश्चन नंबर निन्यानवे देखेंगे महात्मा गांधी के जीवन के लेखक कौन है तो महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक जो हैं वह डीजी तेंदुलकर हैं क्वेश्चन नंबर सौ देखेंगे रेगुर मिटियाँ इस नाम से भी जानी जाती हैं तो रेगोर मिट्टियों को जो है काली मिट्टी कही का जाती है और काली मिट्टी कपास का के लिए बहुत अच्छी होती है तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी बिहार ईस से संबंधित हमारा बहुत सारा वीडियो बनाया गया है उसे आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है आप